दोस्तों फाइनली सैमसंग 17 जुलाई को इंडियन मार्केट में अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G को लॉन्च करने वाला है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म कर जा चुका है। अमेजन के ऊपर ये स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है, लॉन्च डेट बाहर निकल कर आ चुकी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि आखिरकार ये किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है, इसकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होने वाली है, हमें इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है वो सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के जो एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। एंड ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो प्रोटेक्शन भी यहां पे अच्छा प्रोवाइड करा गया है, फोन गिरेगा वगैरह तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रमोट ही कर देगी कि भाई फोन फेंक दो, जो करना है कर लो, फोन टूटेगा नहीं। ऑब्वियसली बात है, ग्लास एंड ग्लास क्लैंप ब्रेक तो टूट सकता है, बट हाँ विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। सामने की तरफ जो है पंच होल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। थैंक्स सैमसंग, आपने वाटर ड्रॉप को छोड़ा और पंच होल पर शिफ्ट करा, इसके लिए आपको थैंक्स बनता है। बैक की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्टिकली इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा, अच्छी बात है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है, ये भी अच्छी बात है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल, जो कि मैक्रो शॉट्स क्लिक करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। सैमसंग आप चाहते तो 5 मेगापिक्सल का चिप सकते थे, बट नहीं, जो सारी कंपनियां कर रही है आपने भी वही करा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड ये स्मार्टफोन जो है 25W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलने वाला है हमेशा की तरह। सैमसंग ये चिंदी चोरी छोड़ो और प्लीज़ बॉक्स के अंदर फिर से चार्जर प्रोवाइड करना शुरू करो, ये बिल्कुल चिंदी चोरी ही है, इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। खैर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्जीनोस 1380 देखने को मिल जाएगा, जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस पे एक्जीनोस 1380 किस तरीके से जस्टिफाई करेगी सैमसंग, ये देखने वाली बात होगी। खैर यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक मिसिंग होने वाला है, हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हो या फिर 1 सिम के साथ एक SD कार्ड लाकर यूज कर सकते हो। एंड अच्छी बात कि यहाँ पे हमें डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा। एंड ये स्मार्टफोन जो है ऑब्वियस बात है आपको एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, और सैमसंग है तो कम से कम तो 3+4 या 4+5 भी दे सकती है सैमसंग। सैमसंग का कुछ भरोसा नहीं है, 4+5 भी दे देगी। अपडेट्स के मामले में सैमसंग का कोई तोड़ ही नहीं है भैया, अपडेट सैमसंग फुल प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपको मिनिमम 3+4 मैक्सिमम 4+5 देखने को मिल जाएगा अपडेट। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M35 5G की। अब ये स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है वो आपको देखने को मिलेगा 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज, 6+128 होगा। एंड इसकी प्राइसिंग इंडियन मार्केट में आपको अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये में देखने को मिलेगी। अब आप मुझे बताओ 20,000 में एक्जीनोस 1380 कैसे जस्टिफाई कर पाएगी, इसमें ऐसा क्या प्रोवाइड करा है सैमसंग आपने जो कोई और कंपनियां ये सब प्राइस में प्रोवाइड नहीं कर रही है। वही टिपिकल स्पेक्स आपने प्रोवाइड कर दिए, घिसा पीटा और ऊपर से एक्जीनोस 1380 का धब्बा लगा दिया इस स्मार्टफोन के ऊपर। मैं आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल मैं बोल ही नहीं सकता हूँ भाई, बिल्कुल भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं होने वाला। आप इसके लिए वेट मत करना, इससे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में अवेलेबल है। बट जो लोग यहाँ पे सैमसंग लवर हैं वो वेट कर ले, एक बार ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाने दीजिए, देन मैं यहाँ से आपको फ्रैंक ओपिनियन दे पाऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। 17 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ जो भी स्पेक्स प्राइसिंग वगैरह लीक होकर है उसके अकॉर्डिंग मेरी तरफ से तो ना है। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।